फाइनली हो चुके हैं माँ धारी देवी के दर्शन। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पत्थर गिर रहे ऊपर से, काफी रिस्क है। ये कार वाले भैया ऐसे ही जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है धारी देवी का नया मंदिर, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और वो जो सामने है वो रहा कॉलेज, और ये रहा कणबैग मार्केट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसा आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप देख रहे हो प्रीतम निगी ब्लॉग फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। तो आज जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हो, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी बिल्कुल मस्त वाली। तो आज मैं और अखिलेश जाने वाले हैं धारी देवी मंदिर। तो अभी फिलहाल रोड में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से जो धारी देवी का रास्ता है ना, वो लगभग 2.5 या 3 घंटे का है। तो अभी चलते हम लोग यहाँ से। अभी पहुंच चुके हम लोग KPG मार्केट में। तो मेरे बालों की हालत आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था ना, तो बाल सारे इधर उधर हो गए। इस तरह का दिखता है KPG मार्केट यहाँ से। ये रहा संगम, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और वो जो सामने है वो रहा कॉलेज, और ये रहा कणबैग मार्केट। तो काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से KPG मार्केट। तो अभी चलते हम लोग, मिलते हैं आपसे सीधे धारी देवी। तो अभी पहुंच चुके हम लोग सिरोगढ़ में, और यहाँ पे ना ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो अभी रुके हुए हम लोग यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक हो रखा है। ऊपर से आ रहे पत्थर और नीचे से JCB भी है, तो वो भी क्या करे बेचारा। तो जब ऊपर से पत्थर आना बंद हो जाएगी, उसके बाद जाके रोड साफ होगा। तो देखते हैं कितनी देर लगती है। देख सकते हो आप यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, काफी रिस्क है। ये कार वाले भैया ऐसे ही जा रहे हैं, देखते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग माँ धारी देवी के मंदिर के बाहर। तो यार देखते हैं गाड़ी नीचे ही चली जाएगी, क्या पता। तो नीचे ही लेके चलते हैं गाड़ी को। तो अभी गाड़ी को हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया, और मैं और अखिलेश अपने लिए रखते हैं प्रसाद दोनों के लिए। तो अभी चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। जो यहाँ से धारी देवी का नज़ारा है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है धारी देवी का नया मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अखिलेश भाई से आप आज का एक्सपीरियंस है जो पूछ सकते हो आप। अखिलेश भाई कैसे रहा आज का? अरे एकदम मस्त है यार। तो यार ये इतना डर रहा है ना गाड़ी चलाते समय, इसके पैर कांप रहे हैं। तो मुझे लगा ये गिरा होगा कहीं, उसके बाद से इसके पैर कांप रहे हैं, गाड़ी को ऐसे झुका रहे तो इसके पैर कांप जा रहे हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हम लोग मंदिर के अंदर। तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है नया मंदिर। तो अभी चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। फाइनली हो चुके हैं माँ धारी देवी के दर्शन। तो अभी मैं और अखिलेश घूमते हैं। तो आपको भी दिखाता हूँ मैं माँ धारी देवी का पुराना मंदिर, और जिसमें हमने दर्शन किया ना वो माँ धारी देवी का नया मंदिर था। आप जब भी आओगे ना, तो आपको माँ धारी देवी में बैठने के लिए ये जरूर दिखेगा। और कुछ इस प्रकार का दिखता है माँ धारी देवी का नया मंदिर बाहर से, ये देख सकते हो आप। और ये है बाहर जाने का रास्ता, और ठीक उसी के बगल में है माँ धारी देवी का पुराना मंदिर। तो ये रहा माँ धारी देवी का पुराना मंदिर, फिलहाल यहाँ काम चल रहा है अभी। तो अभी निकल चुके हैं हम दोनों मंदिर से बाहर, तो थोड़ा इधर उधर चलते हैं, फोटो फोटो खिंचवाते हैं। तो उसके बाद घर भी जाना है, बिकॉज सिरोगढ़ में ना अगर ज़्यादा मलबा आ गया तो आज हम दोनों यहीं फंसेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आज काफ़ी गोरा लग रहा है अखिलेश यहाँ पे।
ये तो गाँव का चलते हैं। तो अभी फोटो फोटो खिंचाने, हम भी चलते हैं नीचे। तो अभी चल रहे हम दोनों फोटो खिंचवाने के लिए नीचे, काफी गहरा पानी है। तो जगह जगह से लोग आ रहे यहाँ पे और फोटो शूट करवा रहे हैं। देख, तो फोटो शूट करने के बाद अभी पहुंच चुके हम लोग दुकानों में, तो शॉपिंग करते हैं थोड़ा बहुत, घर के लिए जो भी ले जाना है वो ले जाते हैं। अखिलेश लग गया है शॉपिंग करने में। अखिलेश शायद मिठाई खरीद रहा है और फोटो खरीद रहा है। तो मैं भी खरीदता हूँ अभी घर के लिए। तो अभी घर के लिए प्रसाद प्रसूद लेके रोड में आ चुके हम लोग। तो यार यहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है, तो सबसे पहले स्कूटी में चुनरी बांध लेते हैं। तो अखिलेश भाई स्कूटी में चुनरी बांधेगा। तो अभी हमें रुद्रप्रयाग कैंटीन में जाना है, तो चलते हैं यहाँ से, तो निकलते हैं। फिलहाल पहुँच चुके हम लोग रुद्रप्रयाग मार्केट में, और आर्मी कैंटीन जो है ना वो अभी बंद हो रखा है, शायद उनका लंच ब्रेक चल रहा है। तो अभी हम भी खाना पुना खाते हैं तब तक, बिकॉज सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है हमें अभी। तो यार अभी चलते हैं हम दोनों, कोई अच्छा सा होटल ढूंढते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। अभी पहुंच चुके हम लोग आर्मी कैंटीन के बाहर, तो जो सामान सामान लेना है ना वो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हम लोग, लगभग 2:30 बज गए। और यहाँ से जो हमारे गाँव है वो लगभग पड़ता है 3 या 4 घंटे का रास्ता। तो यार देखते हैं उसके बाद क्या होता है, कितने बजे पहुंचते हैं आज घर। फाइनली पहुंच चुके हम लोग घर में। तो यहाँ पर से जो अखिलेश है ना वो अकेले जाएगा, क्योंकि उनका जो घर है ना वो यहाँ पर से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो मैं तो चलता हूँ घर। तो अखिलेश ठीक है भाई, ढंग से जाना। तो देख सकते हो आप अखिलेश भी चले गए। तो अभी हम भी चलते हैं अपने घर की ओर। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर में, और कैंटीन से कुछ इतना सा सामान लेकर आ रखा हूं मैं, बिकॉज मम्मी ने और भी कुछ मंगाया था लेकिन वो था नहीं वहाँ, तो जितना मिला उतना ही लेके आ चुका हूं मैं। तो क्या करें, तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है और मेरी गोदी में रखा है कालू। तो यार चलते हैं माँ को सामान दे देते हैं। तो अभी बैठ गए यहाँ पे सारे लोग और नमकीन खोल रखा है, और कालू को देख सकते हो नमकीन खाने के लिए क्या क्या कर रहा है। रोटी खाने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, बिकॉज मुझे आज काफ़ी थकान सा महसूस हो रहा है और नींद भी आ रही है, क्योंकि पूरे दिन भर मैं गाड़ी चलाते चलाते थक से गया हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने ये वीडियो इंजॉय की होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।